नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रिश में। दोस्तों बिहार पुलिस 8415 के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। प्रमाण संख्या 05/2020 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस 8415 का फिजिकल डेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो फिजिकल का डेट जो यहाँ पे रखा गया है, आपको 28 जनवरी से आयोजित किया जाएगा और उसका जो एडमिट कार्ड है 5 जनवरी 2022 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है एडमिट कार्ड, तो आप दिनांक 24/1 और 25/1/2022 को केंद्रीय चयन परिषद के बैंक हार्डिंग रोग सचिवालय हॉट के निकट आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी 8415 सिपाही भर्ती के अंतर्गत जो क्वालिफाई किए हैं पीटी के लिए, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट हो सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे और डिटेल्स दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा तिथि एवं समय स्थान की सूचना प्रवेश पर दर्ज होगी। वही दोस्तों देख सकते हैं 5वें पॉइंट पे शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में निर्धारित तिथि के प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा आयोग माने जाएंगे और उनका ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। वही दोस्तों 6वें पॉइंट पर देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि एवं सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर आने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को एक स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वैध युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। वही 2nd नंबर पर इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, जो 1/8/2020 तक इसके पूर्व ही शैक्षणिक अर्हता मान होगी। यानी अगर 1/8/2020 के बाद का अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं तो आपको मान नहीं किया जाएगा। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, उसके लिए आप मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति लगा सकते हैं। वही दोस्तों देख सकते हैं SC ST OBC वर्ग के हैं जो उनको जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने ही मान्य होगा। वही दोस्तों देख सकते हैं क्रिमिलियर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र आपको पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रिमिलियर रहित NCR प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए विवाहिता अविवाहिता क्रिमिलियर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप होमगार्ड में हैं उसके प्रमाण पत्र आप यहाँ जमा कर सकते हैं। वही दोस्तों आपका अगर गोरखा है उसका भी प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं। वही अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। वही दोस्तों देख सकते हैं अगर EWS है उनका भी प्रमाण पत्र आपको NCL सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख रहा है कि COVID-19 वैक्सीनेशन का आपका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आपको फिजिकल के वक्त आपको COVID-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको खोजा जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट की जा सकती है। अगर जो भी अभ्यर्थी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगाए हैं वो कम से कम अभी फर्स्ट डोज भी आप लगा लें। वही दोस्तों देख सकते हैं सभी उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 05/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा, अर्थात अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई किए हैं वो दौड़ के लिए रेडी हो जाएं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको 35 से 40 दिनों के अंदर में ही आपका दौड़ कंडक्ट होने जा रहा है, तो आप जोर शोर से अपना फिजिकल प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। वही दोस्तों डॉक्यूमेंट पर भी अपना जरूर ध्यान दीजिएगा, जो NCL सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है आप प्रिपेयर करके रखें। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।